तारे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वबारक वसल्लम दी ज़ात अक़दस था जैं भी शख्स जिक्र पाक की थे और सिर्फ आका करीम दी ज़ात पाक दा जिक्र पाक ना बल्कि सैयदी बाबे आदम अलैहि सलाम दी ज़वात मुबारक तो गिनते तारे मेरे मुस्तफ़ा करीम दी ज़ात अक़दस तक जितने भी अम्बियाए कराम और रसूल इज़ाम तशरीफ गिनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक महबूब दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया जदन भी तो को फुर्सत मिले जदन भी तो को वक्त मिले जदन भी तो को टाइम मिले जल्ले को शख्स कोई अम्बियाद का जिक्र करें दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक उनके वक्त को ज़ाय नहीं करें दे और बल खालिक दी ज़ात पाक उनके वक्त को रद्दी की टोकरी नहीं पेंदे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक बंदे दे उन वक्त को कहीं ना कहीं ज़ुमरे में शामिल करें दे। साहबाए करम रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन जो कि आका करीम की सोहबत अकदस के नाल इतने फैज़याब थी चुके हैं और इतने महबूब थी चुके हैं कि आका करीम की पाक बारगाह के अंदर कई किस्म का कोई अगर इन्हों के दिल के अंदर सवाल अंगड़ाया गिने हा तो साहबाए करम पुछदे ही नबी कोला और आका करीम की पाक बारगाह के अंदर जरले सवाल करेंदे हैं तो तारे मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पाक ऐसा तसली बख्श जवाब देंदे हैं केवल साहबाए कराम को कई बेकिस्म के सवाल की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि ये तारे मेरे मुस्तफ़ा करीम का इलमी मकाम है। अरे तारे मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पाक का इतना इलमी तसरफ है। साहबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन की ज़ात मुबारक फरमेंदन असा साइया की पाक बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर साढ़ा ये वक्त कहीं जुमरे के अंदर दाखिल थे तो डसाओ तो सही वाल अल्लाह सबको अंबिया के जिक्र के बदले इनाम क्या दे दे और वाद उल्लाह शरीक की ज़ात पाक सबको केड़े इकराम के नाल मुजयन फरमेंदन। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की ज़ात अकदस ने इरशाद फरमाया जिक्र उल अंबिया मिनल इबादा जडन भी कहीं शख्स अंबिया का जिक्र किया ना इवें समझे मैं रब की इबादत बैठा करें तो जमात आले सुन्नत ताकीद है सैयदी बाबे आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक भी असं कसरत नाल करने हैं। हज़रत शीस नबी का जिक्र भी करने हैं। हज़रत यहया नबी का भी जिक्र करने हैं। हज़रत ज़करिया नबी का भी जिक्र करने हैं। हज़रत सैयदी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करने हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करने हैं। हज़रत सैयद इस्माइल का भी जिक्र करने हैं। याकूब यूसुफ नबी का भी जिक्र करने हैं। इलियास ज़ुवल किफिल का जिक्र भी करने हैं। मुकदी चा मुकामा जितने भी अंबियाए कराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ने लोगों की हिदायत वास्ते जमीन के उत्ते मबूस किए जमात आले सुन्नत सब का जिक्र करते अपने वक्त को इबादत लिखे हुए क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ने यह जिक्र करना कहीं बे दे जिम्मे नहीं लाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ने यह जिक्र करने वास्ते कहीं बेहद की जबाना को नहीं चुना बल्कि खुदा तआला की ज़ात पाक ने फरमाया मैं रब बड़ा गैरतमंद हाँ इतना गैरतमंद हाँ नबिया के मामले के अंदर होमिन मेडे नबी तो पलीतों की जबान से जिक्र कराव मैं रब की ज़ात पाक अपने नबिया का जिक्र उन्होंने जबाना से करे सड़ा बंदा ही पाक हो सी जबान ही पाक तो अज भी अगर कसरत के नाल असा नबिया का जिक्र बैठे करें तो इंदा मतलब है अल्लाह ने चुन की दे रब ताला की ज़ात पाक ने सबको पसंद कर की दे ताका करीम अलैहि सलातो तस्लीम की ज़ात पाक ने ही वजह वास्ते इरशाद फरमाया ये मत गुमान कराए कि तुहाडे वक्त को खुदा ताला की ज़ात पाक रद्दी की टोकरी च पेसन या जायच करे सन बल्कि आका करीम ज़ात पाक ने फरमाया तुसा नबिया के औसाफ बयान करो आका करीम के कमालात बयान करो सरकार के मुख्तलिफ औसाफ हमीदा और कमालात जमीला को जल्द लोगों के सामने बयान करे सो ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक फरमाए जल्द क़यामत का मैदान आसी ना मैदान क़यामत के अंदर जल्ले तुहाडा नामा आमाल खुलसी तो तुहाडा ये वक्त इबादत जरूर लिखा हुए चलो ये तो पता चल गया कि जदन कोई बंदा अंबिया का जिक्र करें दे तो रब इलम या जल्दी जाते पाक उन्होंने कोई इबादत के अंदर लिख छोड़े दे अगर अंबिया के जिक्र के अलावा साहबाए रसूल का जिक्र चकरो असहाब रसूल का जिक्र चकरो सालेहीन लोगों का जिक्र चकरो मुत्तकी और परहेजगार लोगों का जिक्र चकरो अल्लाह वाल इनाम क्या दें देवे अल्लाह वाल बंदे को इकराम क्या दें देवे सरकार दे फरमान दा अगला जुज आका दे फरमान दा अगला हिस्सा तारे मेरे मुस्तफ़ा करीम दे फरमान दा अगला टुकड़ा ऐसा कमालात आला है इंसानी अकल जितने घोड़े दौड़ावे ना वो जाहिरी माना तक घिन सकते
मगर हकीकत आला माना कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हकीकत तो कोई जात वाकिफ कहनी इंसान के अंदर। अगर कोई जात हकीकत तो वाकिफ है तो सिर्फ दूई जात नहीं, या खुदा या मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तो ही वजह वास्ते तुहाड़े मेरे मुस्तफा करीम दी जात पाक दे फरमान दा अगला हिस्सा कमालात वाला है, कमाल वाला है, बड़ा हसीन है। सरकार दी जात पाक ने फरमाया वज़्ज़िकु रुस्सालिहीना कफारतु दुनूब। जदन तुसा शख्स अंबिया दा जिक्र करे सो अल्लाह इबादत च लिखसी, और जेले रब ताला दे पाक बरगुजीदा सालिहीन नेक लोगों का जिक्र करे सो अल्लाह करीम जाते पाक ने फरमाया जे तुहाडे गुनाह माफ ना करा तो मुहम्मद रब्बी ना।